अभिनेत्री तनिषा शर्मा की मौत के बाद उनके को स्टार शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनिषा शर्मा शनिवार को शूटिंग के दौरान स्पॉट पर मृत पाई गई थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ठाणे जिले की वालिक पुलिस ने शिजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। श्रीमती वनिता शर्मा जिनकी लड़की यहाँ पे कामन में जो स्टूडियो है वहाँ पे एक सोनी चैनल पे जो अलीबाबा दास्ताने काबुल सीरियल चलता है उसमें एक्ट्रेस काम करती थी। वो मरियम के रोल में काम करती थी और यहाँ पे एक जून 2023 से ये सॉरी 22 से चल रहा है ये शूटिंग। और ये जो डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्टरूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसके ऊपर वालियू पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि तनिषा डिप्रेशन से जूझ रही थी, वो इसका इलाज भी करा रही थी लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी, उनका व्यवहार भी बदला हुआ लग रहा था। तनिषा हाल के दिनों में टीवी शो अलीबाबा से चर्चित हुई थी। तनिषा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 में टीवी सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी। इश्क सुभान अल्लाह, इंटरनेट वाला लव जैसे सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया था। साल 2016 में उन्होंने फिल्म फितूर से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने अभिनेत्री कटरीना कैफ के बचपन का किरदार निभाया था।